हेलो बच्चों, आज हम कौन सी मात्रा करेंगे? आज हम छोटे ऊ की मात्रा करेंगे। और इसके पहले काफ़ी सारे वीडियो में आपने छोटे ऊ की मात्रा का अभ्यास कर लिया है। यहाँ इस सप्ताह हम रिवीजन पर चल रहे हैं, ठीक है। तो आज देख रहे थे छोटे ऊ की मात्रा से हमने क्या करना है। आप देखिए बोर्ड पर काफ़ी सारे शब्द लिखे हैं, पर सारे शब्दों में ऊ मात्रा नहीं लगाई है। हमने शब्द पढ़ के इसे देखना है और छोटी ऊ की मात्रा जहाँ जरूरत है वहाँ लगाना है और शब्द को फिर से सही तरीके से लिखना है। तो चलो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रुपया। रुपया क्या होता है? हमने रुपया जो बोलते हैं वो है उसका मात्रा हमने नहीं लगाया। मात्रा लगाने के बाद क्या होगा देखते हैं। रुपया, ठीक है, रुपया नहीं बोलते हैं, रुपया। नेक्स्ट हमारे पास जामन। जामन तो शब्द बनेगा जामुन। अगर हम बना रहे हैं जामनु वो भी गलत है, तो हम लिखेंगे जामुन जो एक फल का नाम है, ठीक है। जैसे मैं बता रही थी र में जब हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हम र के पीछे पीछे, है ना, पीछे लगाएंगे, हम उसके नीचे कभी नहीं लगाते। अगर हमने ये लगाया है तो ये गलत है, अगर हमने ये लगाया है तो ये भी गलत है। तो हमने ये दोनों को नहीं करना है, हमने क्या करना है र के पीछे ही लगाना है, ये रू की मात्रा, ठीक है। अगला आ जाता है बगला। बगला अगर हम शब्द को देखेंगे भूगला गलत है, बगुला ये सही है। पक्षी का नाम है आगे बढ़ते हुए बलबल, ये भी पक्षी का नाम है ये बुलबुल। आगे देखिए घनश। अब घनश क्या शब्द है देखते हैं लगा के। धुनश अगर लगाएंगे तो कोई शब्द नहीं बन रहा है, धनुष लगाएंगे तो सही शब्द बन रहा है, या फिर हम धनशु धनशु ये भी कोई शब्द नहीं है, तो हम लगाएंगे धनुष। धनुष मतलब वो। और बाण मतलब एरो, वो एन एरो, ठीक है। से धनुष तो हम धनुष लिखेंगे। सराही ये हो गया सुराही। क्लारपॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है हमारे पास फलवारी। फलवारी में हम अगर ऊ की मात्रा लगाएंगे छोटी ऊ की मात्रा तो बनेगा फुलवारी, मतलब फूलों का बगीचा या फूलों का बाग। हम लिखेंगे यहाँ फुलवारी। आप देखिए बच्चों बड़ी की मात्रा भी इसमें हम कर रहे हैं, ठीक है। बड़ी की मात्रा का भी हमने रिवीजन कर लिया है, इसमें भी बड़ी की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास टंटन। तो टंटन आवाज तो है, लेकिन अगर इसमें ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, टुन टुन, मतलब बहुत मोटी कोई लड़की को बोलेंगे हम टुंटू। आगे है हमारे पास दातन। दातन हो जाएगा दातुन। मख। मखू अगर लिखेंगे गलत होगा, हम लिखेंगे मुख तो वह सही है, मुख करसी। करसी देखिए एकदम आसान शब्द है आपके लिए। कुर्सी, आगे बढ़ते हुए गमसम। गमसम कोई शब्द नहीं होता है, हम अगर बोलते हैं तुम क्यों चुपचाप बैठे हो, तुम क्यों गुमसुम हो, दैट इज गुमसुम, ठीक है।
रुंसो। बच्चों एक बार फिर से हम वाचन कर लेते हैं, रुपया जामुन बगुला बुलबुल धनुष सुराही फुलवारी टुनटुन दातुन मुख कुर्सी गुमसु। सो बच्चों हमने यहाँ पे छोटी उ की मात्रा का रिवीजन किया है, आप भी घर में थोड़ा थोड़ा बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक आपकी स्कूल खुले तब तक आप काफ़ी सारा मात्रा सीख चुके होंगे और आशा है आप घर में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।